वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू स्टोरी ऑफ अ लॉबस्टर। लॉबस्टर बहुत सारे लोगों को खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज हम उससे कुछ विजडम वाली बातें सीखेंगे, कुछ चीजें ऐसी सीखेंगे जो कि हमें जिंदगी में काम आ सकती हैं। एक लॉबस्टर जो है ऑर्थ्रोपॉड फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें बहुत सारे दूसरे इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी आते हैं, जिनका एक एक्सोस्केलेटन होता है, जिनका एक आउटर शेल होता है। लॉबस्टर का भी एक आउटर शेल होता है जिसके अंदर वो रहता है, और ये उसे प्रोटेक्ट करता है मुख्तलिफ सिचुएशंस में, गार्ड करता है मुख्तलिफ प्रेडेटर्स से, उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन होता ये है कि जैसे जैसे लॉबस्टर ग्रो करता है, वो बड़ा होता जाता है, तो अपनी जिंदगी के अंदर वो शेल जो है वो उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। अब अगर उसने मजीद ग्रो करना है तो उसे उस शेल को रिमूव करना होगा और एक नया शेल जनरेट करना होगा। सो वो करता ये है कि पहले, बिफोर इट रिमूव द ओरिजिनल शेल, द आउटर शेल, इट क्रिएट्स अनदर शेल विद इन दैट, बीनीथ दैट द लेयर ऑफ दैट आउटर शेल, वो एक नया सॉफ्ट शेल जनरेट करता है, क्रिएट करता है। और उससे पहले वो सारे के सारे पुराने जितने शेल के जितने एंजाइम्स होते हैं या उसके जितनी मिनरल्स होते हैं वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है पहले अपने अंदर, ताकि उसके पास इतनी एनर्जी आ सके कि वो नया शेल जनरेट कर सके। अच्छा, जब वो नया शेल बीनीथ दैट ओल्ड शेल जब वो जनरेट हो जाता है, तो फिर वो करता ये है कि वो पुराने शेल को, जो कि किसी हद तक अब कमजोर हो चुका है, वो उसे किसी कोरल के साथ उसको स्ट्राइक करके और अपने आप को इन्फ्लेट करके उसको रिमूव कर देता है और उससे बाहर आ जाता है। अच्छा, अब ये जब बाहर आता है तो उसके ऊपर एक बड़ा ही सॉफ्ट सा और बहुत ही लाइट सा एक शेल होता है जो कि बन चुका होता है, लेकिन अभी वो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में होता है। तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ कोरल्स का सहारा लेता है, मुख्तलिफ केव्स का सहारा लेता है, और उस पूरे प्रोसेस में वो कोशिश करता है कि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा छुपा कर रखे और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे। और वो ना तो खाता है, ना तो इधर उधर कहीं जाता है अननेसेसरली, बट इट कीप्स इटसेल्फ हिडन अंडर रॉक्स, अंडर डिफरेंट कोरल्स, ताकि वो अपने आप को बचा सके। और वो इस पूरे प्रोसेस से कि जब तक वो शेल हार्ड ना हो जाए, वो अपने आप को छुपा के रखता है। इस तरह के प्रोसेस से वो तकरीबन जिंदगी में कई मरतबा गुजरता है, और जब कहते हैं कि जब वो लॉबस्टर जब छोटा होता है तो वो कुछ हफ्तों में भी अपने शेल्स को जो है वो चेंज करता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब इससे हमें बहुत सारे डिफरेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि जी, इंसान की कोशिश होती है कि सर्वाइव करे, वो अपने आप को आगे लेके जाए, डिवेलप करे, और उसके अंदर ये खूबसूरत लेसन, ये खूबसूरत एनालॉजी हमें एक लॉबस्टर सिखाता है कि जिंदगी के अंदर चेंज कितना जरूरी है। कि अगर आप अपनी करंट सिचुएशन में अनकंफर्टेबल हैं, सो इट मींस इट इज अ कॉल फॉर अ चेंज। ये चेंज आपके बिहेवियर में हो सकता है, आपके एटीट्यूड में हो सकता है, आपकी आदतों में हो सकता है, चेंज आपके रवैयों में हो सकता है, आपके दूसरों के साथ ताल्लुकात में हो सकता है, आपके अपने सर्कल के अंदर चेंज हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस आपको जो है एक्सप्लोर करने होंगे, ताकि आप उस कंडीशन में से अपने आप को बाहर निकालें। क्योंकि इंसान ज्यादातर अनकंफर्टेबल अपने ही शेल के अंदर हो जाता है, अपना ही उसका एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है कि जिसके अंदर वो रह रहा होता है, और उसे रियलाइज नहीं होता कि वो कंफर्ट जोन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो उसको इनकैप्सुलेट कर देता है उस इंसान को। सो इंसान को उस कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा अगर वो ग्रो होना चाहता है, अगर वो डेवलप होना चाहता है, अगर वो अपने आप को कहीं लेके जाना चाहता है। सो सबसे पहली चीज ये है कि जी, आपने चेंज से कभी भी घबराना नहीं है, और चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना है, चेंज को हमेशा जिंदगी का एक अहम पार्ट समझना है अगर आपने ग्रो करना है, अगर आपने डेवलप करना है। दूसरी चीज जो लॉबस्टर हमें सिखाता है वो ये है कि अगर तो हम कभी वल्नरेबल हैं, और इंसान अक्सर हालात में वल्नरेबल हो जाता है, तो इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि जी मैं हमेशा पावरफुल रहूंगा और मेरे पास हमेशा मैं स्ट्रांग रहूंगा और हमेशा मेरे पास जी रिसोर्सेज रहेंगी। वी मे इनकाउंटर टाइम्स एंड सिचुएशंस जहां पे हम बहुत वल्नरेबल होते हैं, और उस जगह पे फिर हमें सपोर्ट की और एडवाइस की और मेंटोरशिप की और हेल्प की जरूरत होती है। सो नेवर हेजिटेट और स्टेप बैक फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प और सपोर्ट फ्रॉम समवन एल्स हु इज मोर पावरफुल, हु हैज मोर ऑफ दोज रिसोर्सेज टू ऑफर टू यू। वो एडवाइस की सूरत में हो सकती है, वो आपकी किसी और मॉनेटरी हेल्प की सूरत में हो सकती है, वो आपको किसी प्रोटेक्शन की सूरत में हो सकती है, बट यू मस्ट हैव सम
नेटवर्क्स बिल्ट अराउंड यू जो कि आपको प्रोटेक्ट करें, जो कि आपको सपोर्ट करें, जिनके पास आप जाएं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ लिटिल एडवाइस, जैसे एक लॉबस्टर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, हालांकि उसे पता है कि कुछ दिनों में इट्स गोइंग टू बी फाइन, बट स्टिल अगर वो उसी शेप में, उसी हालत में अगर वो यू नो आम तौर पे सर्वाइव करता रहे, तो मुमकिन है कि वो किसी ना किसी प्रेडेटर का जो है वो नाश्ता बन जाए, किसी ना किसी प्रेडेटर का जो है वो खाना बन जाएगा। सो लिहाजा वल्नरेबल होना इट्स नॉट बैड, इट्स नेवर बैड, इट्स ऑलवेज गुड दैट वी अंडरस्टैंड कि जी हम इस वक्त किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में है, एंड वी कैन ऑलवेज गो फॉर समवन फॉर हेल्प। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपका एक नया शेल जनरेट हो जाए तो आपने फिर उसमें फंक्शन भी करना सीखना होगा, आपने फिर उसमें अडेप्ट करना भी सीखना होगा। लोग वक्ती तौर पर चेंज तो हो जाते हैं मगर वो चेंज ज्यादा देर तक उसको उससे अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड यू नो बहुत सारे मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार हो जाते हैं। सो आपको अपने आप को इतना इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना होगा कि आप अपने अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वक्त के साथ, हालात के साथ, कंडीशंस के साथ आप उसको अडेप्ट करें, उनको अपने आप को उन कंडीशंस के साथ उसमें ढालने की कोशिश करें। वो किसी भी तरह की सिचुएशन है, वो मोस्ट मुश्किल हालात हो सकते हैं, वो हार्डशिप्स हो सकती हैं, वो एडवर्सिटीज हो सकती हैं, वो मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन आपको अडेप्ट करना सीखना होता है कि वंस यू आर एबल टू अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस देन यू हैव बेटर कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। सो ये तीन चीजें हमें एक लॉबस्टर सिखाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग दैट इट गोज थ्रू यू नो मेनी टाइम्स इन इट्स लाइफ। और एक इंसान के लिए भी बहुत सारे मुख्तलिफ हालात बनते रहते हैं, हम जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ फेजेस से गुजरते रहते हैं, लेकिन अगर हम चेंज करने से रेजिस्ट करेंगे और हम अडेप्ट करने से रेजिस्ट करेंगे और हमें अगर ये लगता रहेगा कि जी हम तो हमें तो सब कुछ पता है, हमें तो सब कुछ आता है, तो फिर हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे और आगे डेवलप नहीं हो पाएंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट चेंज इज ऑलवेज गुड, यू नो फाइंडिंग अ सपोर्ट ग्रुप, फाइंडिंग समवन टू सपोर्ट यू व्हाइल यू आर वल्नरेबल इज ऑलवेज गुड, यू विल नॉट ऑलवेज बी एज स्ट्रॉन्ग, एज स्मार्ट, एज इंटेलिजेंट, एज गुड इन ऑल द सिचुएशंस, इन सम सिचुएशंस यू विल फाइंड योरसेल्फ वल्नरेबल, सो सीक हेल्प। एंड नंबर थ्री इज अडैप्ट, adapt to different changes, adapt to different situations. So these are the three lessons that I had to share with you all. Umeed karta hu aapko ye message, aapko ye lessons pasand aaye honge, and aap isko apni zindagi pe bhi reflect karenge, usko aap implement karne ki bhi koshish karenge. Video pasand aayi ho to usko zarur like kijiyega aur comment karke batayega ki aapko video kaisi lagi, aur umeed karta hu aap is video ko share bhi karenge aur ise dusron ko bhi fayda pahunchayenge. Inshallah fir mulaqat hoti hai ek aur video mein, jab tak apna khayal rakhiyega. अल्लाह हाफिज।